नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान पर गलती से एक ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी है। अभी 9 मार्च को शाम 6 बजे दोस्तों एक न्यूज आई कि पाकिस्तान में भारत ने एक गलती से मिसाइल दाग दी है। पाकिस्तान के अंदर 124 किलोमीटर अंदर घुस गई मिसाइल, जाकर के वहां पर फायर हुई। इसको लेकर के आप दुनिया भर के अखबारों में स्टेटमेंट देख सकते हैं, आर्टिकल्स देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए CNN का है, इंडिया सेज इट एक्सीडेंटली फायर्ड ए मिसाइल इनटू पाकिस्तान। हालांकि भारत ने इस पर अपना स्टैंड दिया कि गलती से ये चला गया है, एक्सीडेंटली ये फायर हो गया था रूटीन मेंटेनेंस के दौरान। लेकिन आप सोचिए, पाकिस्तान के अंदर 124 किलोमीटर अंदर घुस करके जा करके वो विस्फोट होती है, पाकिस्तान को पता भी नहीं चलता है, पाकिस्तान सिर्फ उसको देख पाती है बस, मतलब कोई एयर डिफेंस सिस्टम उसका काम नहीं कर पाता। यानी ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी हुई, 2 से 3 मिनट के अंतर्गत ये हुई कि पाकिस्तान को मौका ही नहीं मिला कि वो कोई एक्शन ले पाएँ। ना उनके फाइटर प्लेन्स इस प्रकार से रेडी थे और रडार सिस्टम तो थे, बस केवल देख ही रहे थे कि ये आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है। और ये ऑब्जेक्ट जो था, ये ब्रह्मोस मिसाइल थी। ब्रह्मोस आप जानते ही हो, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दोस्तों सुपरसोनिक स्पीड से गई, हालांकि इसमें कोई सा भी पेलोड नहीं भरा था, कोई भी हथियार, कोई भी बारूद इसमें नहीं भरा था। इस वजह से ये मिसाइल गई वहां पर, सिर्फ डिस्ट्रॉय हुई और कोई मतलब इरादा था ही नहीं। ये रूटीन मेंटेनेंस के दौरान गया था, तो उस साइड चला गया था, मिस टारगेट हो गया था। तो वहां पर हालांकि कोई भी हताहत, कोई भी कैजुअलिटी होने की कोई खबर नहीं आई हुई है। हाँ, कुछ गाड़ियों के शीशे जरूर फूटे हुए हैं धमाके से, कि रोड पर चल रही थी तो मियां चन्नू इलाके पर जाकर के ये फायर हुई। इसको लेकर के आप ग्राफ से समझ सकते हैं बड़े अच्छे से। यहाँ पर देखिए एक मैप भी जारी हुआ है इसको लेकर के। यहाँ पर हिसार हरियाणा से दोस्तों ये रूटीन मेंटेनेंस के दौरान फायर हो गई और उसके बाद पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर मियां चन्नू इलाके पर जाकर के ये विस्फोट हुआ, वहां पर गिरी ये मिसाइल। हालांकि वहां पर कोई चीज उपस्थित नहीं था और ना ही इसमें हथियार बना था, ये बात मानी है भारत ने भी और पाकिस्तान ने भी। इसको आप और अच्छे से इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हो। सिरसा हरियाणा में, भारत में, ये यहाँ से मिसाइल निकली और जाकर के मियां चन्नू इलाके में पाकिस्तान में जाकर के गिरती है 6:50 पर। 6:43 से निकलती है, 6:50 पर 7 मिनट में ही 261 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिनमें से अगर हम लोग बात करें 4 मिनट तो इधर ही था, केवल 3 मिनट, 2.5 से 3 मिनट मिलता है पाकिस्तान के इलाके में घुस करके, 124 किलोमीटर अंदर घुस करके गिरने में। तो पाकिस्तान को समझ में भी नहीं आता है। यहाँ पर फिलहाल मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाना चाहूँगा वहाँ के प्रेसिडेंट का, आप सुनेंगे तो बड़ी हंसी आएगी आपको। देखिए इनका जो प्रेसिडेंट है उनका क्या ओपिनियन है इस मिसाइल को लेकर के, इन्होंने क्या कहा है, इनकी नॉलेज देखिए आप लोग। चलिए तो मैं प्ले करता हूँ वीडियो, आप सुनिए। Things are different today. The region is being destabilized by armaments in a manner with which we believe that if these armaments are supplied to India, Pakistan will have to bend over backwards to achieve some kind of balance. Let me mention to you, M. Marshall Saab, BrahMos 2, the possibility of hypersonic missiles which are going to at 8.5 Mach or 8.5 times the speed of sound, within minutes it will be inside Pakistan. So therefore, there should be these issues should be tackled. We must increase our defenses to fight against a self-described enemy. For Pakistan, we want peace. We don't want to have enemies. A achieve some kind of balance. Let me mention to you, M. Marshall Saab, BrahMos 2, the possibility of hypersonic missiles, which are going to at 8.5 Mach or 8.5 times the speed of sound, within minutes it will be inside Pakistan. आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो इसमें इन्होंने बोला है कि 8.5 मैक की स्पीड है, यानी कि समझ लो कि ध्वनि की रफ्तार से 8.5 गुना ज़्यादा। जबकि आप जानते हो कि भारत की जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है ये सुपरसोनिक है, और सुपरसोनिक जो होती है वो 1 मैक से लेकर के 5 मैक के बीच के स्पीड को कहते हैं। अगर 5 मैक से ज़्यादा हो जाती है तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल हो जाती है, और अगर हाइपरसोनिक मिसाइल हो गई बात करें तो केवल एक ही मिसाइल है अभी तक, जरकॉन मिसाइल। आपने सुना होगा जरकॉन मिसाइल किसके पास है, रसिया के पास है, केवल रसिया के पास ही अभी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतम परीक्षण हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये सुपरसोनिक मिसाइल है, इसकी स्पीड 2.5 मैक से लेकर 3 मैक के बीच में है,
और इसमें अगर ध्वनि की स्पीड की बात करें, ध्वनि की स्पीड का 2.5 गुना से 3 गुना के बीच में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं 8.5 मैक, एक प्रेसिडेंट बता रहा है, और वो भी इतना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन जो की है। फिलहाल जब ये टिकटॉक पर टिकटॉक वीडियो बनाएंगे तो इनको कहाँ नॉलेज रहेगी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, देखिए यहाँ पर इन्होंने घोषणा की है कि अब टिकटॉक पर आ गए हैं, लोग इनको यहाँ पर फॉलो करें। चलो ठीक है, हमारे इंडिया से भी कुछ लोग फॉलो जरूर करते, लेकिन यहाँ पर बैन है टिकटॉक। आगे फिलहाल इंडिया ने दोस्तों बताया हुआ है कि ये एक्सीडेंटली फायर हो गया था, इसको लेकर के इंडिया हाई लेवल का कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बिठाएगा और इस पर जांच होगी कि कैसे ये एक रूटीन मेंटेनेंस के दौरान कैसे ये फायर हो गई, ऐसी चीज़ें आगे ना हो इसके लिए, ठीक है। तो हालांकि दोनों देशों ने इस पर बहुत ही ज़्यादा सेंसियरिटी दिखाई हुई है और पाकिस्तान भी ये बात समझा हुआ है अभी तक तो फिलहाल कि वो कोई एक्शन नहीं लेने वाला है और वो समझ गया है कि चलो ठीक है, गलती से ऐसा हो गया, ऐसा कोई इरादा था नहीं। और यहाँ पर आप देखेंगे NDTV का भी आर्टिकल है, इंडिया एक्सीडेंटली फायर्ड मिसाइल इनटू पाकिस्तान सेज डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा के अंदर घुस गई मिसाइल वहाँ पर एक्सीडेंटली, ठीक है, कोई ऐसा इरादा था नहीं और रूटीन मेंटेनेंस के दौरान ये हुआ है। आप द डॉन का भी आर्टिकल देखेंगे, ये पाकिस्तान का ही है, पाकिस्तान का ही न्यूज़पेपर है, न्यूज एजेंसी है और बहुत ही फेमस है। इन्होंने क्या लिखा है, इंडिया डीपली रिग्रेट्स एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ मिसाइल इनसाइड पाकिस्तान। कुछ हद तक तो ठीक कर रहे हैं लेकिन डीपली रिग्रेट्स ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा हम दुख व्यक्त कर रहे हों, तो क्योंकि मिसाइल का अगर बात करें कि ये गलती से रूटीन मेंटेनेंस के दौरान फायर हो जाना, ये आम बात है, बहुत सारे देशों में हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। अभी अभी आपने रसिया और यूक्रेन मामले पर भी एक सुना ऐसा वाक्या कि बांग्लादेश का एक पानी का जहाज जा रहा था, उस पर रसिया का एक मिसाइल मिस टारगेट होकर के जाकर के फायर हो गया। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और हालांकि वहाँ पर रसिया और बांग्लादेश वाले केस में क्या था कि उसमें रसिया तो पूरा अटैक के प्लान पर था, मतलब पूरा उसमें बारूद वगैरह भरा हुआ था, यूक्रेन पर हमला ही कर रहा था, तो उससे तो नुकसान हुआ। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो ब्रह्मोस मिसाइल थी ये बिल्कुल खाली थी, रूटीन मेंटेनेंस के दौरान, क्योंकि ऐसा हुआ, ठीक है, कोई इरादा ऐसा था नहीं कि टेस्टिंग की जा रही हो या ऐसा कुछ किया जा रहा हो तो फिर उसमें पेलोड भरा हो, तो खाली ही था, इस वजह से कोई हताहत नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। और अगर इसमें अगर बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की तो किसमें किस प्रकार के हथियार भरे जा सकते हैं, तो इसमें बिल्कुल इसमें न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर वारहेड भी भरे जा सकते हैं और आम पेलोड भी भरे जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये न्यूक्लियर मिसाइल नहीं, ये न्यूक्लियर मिसाइल भी है। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन ये भी कि ब्रह्मोस मिसाइल का समझौता हुआ है, डील हुई है फिलीपींस के साथ, भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेच भी रहा है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। फिलीपींस पहला देश बना है ब्रह्मोस को खरीदने वाला। ब्रह्मोस के बारे में अगर हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो दोस्तों ये भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी, तो इन दोनों नदियों के नाम पर इसका पड़ा है नाम ब्रह्मोस, क्योंकि इसको भारत और रूस ने मिल करके बनाया हुआ है। ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है, तो इसीलिए ब्रह्मोस मिसाइल इतना ज़्यादा खास है भारत के लिए और दुनिया के गिने चुने देश ही अब आगे आने वाले टाइम पर इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी तो केवल भारत ही कर रहा है, आगे फिलीपींस भी करेगा और भी देशों से अगर डील होगी तो वो भी करेंगे। तो इसको लेकर के पाकिस्तान ने ये भी हालांकि कहा हुआ है कि हमको भी, हम लोग को भी कुछ इस प्रकार से अपनी मिसाइल बनानी चाहिए और टेक्नोलॉजी को बूस्ट करना चाहिए। हालांकि इनको उधार तो कोई अभी दे नहीं रहा है, जब उधार पाएंगे तो उसके बाद फिर मिसाइल वगैरह बनाने की सोचेंगे। फिलहाल ये तो थी ये वीडियो, आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेशन को मैंने सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया हुआ है। वीडियो कैसे लगी है आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताना। जाने से पहले आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिसाइल पाकिस्तान की मिसाइल नहीं है, आप कमेंट करके आंसर बताइए इसका। RRB NTPC की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोस्तों आप लोगों के लिए शानदार बैच आया हुआ है, GK GS और करंट अफेयर का। 50 में 50 स्कोर कराने की जिम्मेदारी है। आप इस बैच को ज्वाइन करने के बाद NTPC CBD 2 में बहुत ही आसान तरीके से 50 में 50 का स्कोर कर सकते हो। बस आपको चाहिए एक बेहतर गाइडेंस और पूरा कंटेंट। तो पिछले 1.5 से 2 सालों का कंटेंट आपके लिए लाया गया है करंट अफेयर का और GK GS में भी, साथ ही साथ इसमें प्रैक्टिस सेट भी आपका कराया जाएगा, यानी हर एक वीडियो उसकी वीडियो की थ्योरी के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस सेट की वीडियो और डिटेल PDF और मॉक टेस्ट तो आपको दिया ही जाएगा। साथ ही साथ 2 साल की करंट अफेयर की ई बुक भी आपको दी जा रही है फ्री में।
इसके अलावा भी अगर आप और भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनमें से भी हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिविजुअल भी सब्जेक्ट्स की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल भी सब्जेक्ट को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें जीएस बैच सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको आप ज्वाइन करेंगे तो 2 सालों के लिए आपको एक्सेस मिलेगा। 2 सालों तक आप जीके जीएस को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी एजुकेशन डाउनलोड कीजिए, और कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको व्हाट्सएप का आइकन बनकर नजर आएगा, उस पर क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए, बात कीजिए, पता कीजिए कि क्या कुछ दिक्कत आ रही है, कैसे आप इसको ले सकते हो। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।